चलिए बोर्ड क्लियर है। हाँ क्लियर है, ठीक। तो चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है, जो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ तो लिए लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा देखना। आज हम लोगों को जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो दो टॉपिक है। पहला हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे आज यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पीएच पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, पीएच स्केल के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कि पीएच क्या होता है, कैसे होता है और कैसे काम करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। ये आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है जुनैद बेटा, सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो चलो पीएच क्या होता है भाई। पीएच एक तरीके का स्केल होता है। पीएच के बारे में बहुत ज्यादा डीप में तो हम नहीं जा सकते अभी क्लास, अगर टेंथ की बात करें तो पीएच के बारे में हमें जानना तो है, पीएच पे काम कैसे होता है, हाउ पीएच वर्क्स, ठीक है, इस बारे में हमें देखना तो है। हम पीएच स्केल का यूज कैसे करते हैं इसको भी हमें समझना तो है, लेकिन पीएच की वैल्यू एग्जैक्टली निकलती कैसे है, जैसे 1, 2, 3, 4 होती है ये तो ठीक है, लेकिन 1, 2, 3, 4 आती कहाँ से है, इसको हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है, जब 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या थोड़ा सा 12th में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी क्लास 10th के बेसिस पे हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे पीएच के। हाँ, लेकिन हमें पीएच के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पीएच होता क्या है। तो अब हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक हमारा पीएच, ठीक है। देखो हमारे पास जो एसिड होता है या कोई बेस होता है, मोस्टली जब हम बेस की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम केसों में किसकी बात कर रहे होते हैं, एक एल्कली की बात कर रहे होते हैं। एल्कली और बेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप लोगों को हमने समझा रखा है कि एल्कली क्या होता है और बेस क्या होता है, लेकिन सिमिलरिटीज भी तो होती है, ठीक है। अगर आप एसिड की बात करते हो तो आप क्या कहते हो, एसिड की बात करते हो तो क्या कहते हो, ऐसी कोई चीज जो आपको क्या दे, H+ आयन दे, क्या दे, H+ आयन दे। अगर आप किसी बेस की बात करते हो या अल्कली की बात करते हो तो क्या बोलते हो, ऐसी कोई चीज जो आपको क्या दे, OH- आयन दे। ये देखो अभी हमने क्या किया, H+ को ब्रैकेट में लिखा और OH को ब्रैकेट में लिखा। ये जो ब्रैकेट में लिखने का तरीका है इसका मतलब क्या होता है, क्या इसका कोई स्पेसिफिक मतलब है या सिर्फ हमने ऐसे ही अच्छा दिखने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट में हमने जो अभी H+ लिखा या ब्रैकेट में हमने जो OH- लिखा, क्या इसका कोई रीजन है कि हमने ऐसे क्यों लिखा? उसका आंसर है हाँ, तो इसका रीजन है, ये जो ब्रैकेट में हमने इस तरीके से इसको लिखा, इसका इसको पढ़ते क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+। जब इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है अंदर, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। आई बात समझ में श्रेयस बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ, तो इस चीज को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने दो चीजें मेंशन करी है। एसिड को हम किस बेसिस पे बताते हैं, कोई चीज कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है, या कोई चीज कितना ज्यादा बेसिक है या कितना कम बेसिक है, वो इस बात पे ही डिपेंड करने वाला है कि उसके पास कितना ज्यादा H+ है या कितना ज्यादा OH- है। हम तो डिफिनेशन यही देते हैं ना, हम एसिड को क्या बोलते हैं, ऐसी कोई चीज जो हमें क्या दे, H+ आयन दे। हम बेस को क्या बोलते हैं, ऐसी कोई चीज जो हमें OH- आयन दे, यही डिफिनेशन बोलते हैं हम लोग। अब ये बताओ, दो एसिड आपके पास अवेलेबल है और यू हैव टू कंपेयर कि कौन सा वाला एसिड ज्यादा अच्छा है। समझ में आया कि आपके पास ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, इन दोनों में से कौन सा वाला एसिड स्ट्रांग है, अच्छा है, तो कैसे बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ, भाई है तो दोनों एसिड, ये भी H+ देगा आपको, ये भी H+ देगा आपको, तो अंतर किस बात का होगा, अंतर होगा उनके कंसेंट्रेशन का। हो सकता है पहला वाला एसिड ढेर सारा H+ आयन दे और दूसरा वाला एसिड भी H+ तो दे रहा है लेकिन कम दे रहा है, इसका मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ H+ किसका ज्यादा है, पहले वाले का, क्योंकि वो ढेर सारा H+ देने वाला है। समझ में आया? तो एसिड ज्यादा अच्छा कौन, जिसमें H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, जितना अच्छा एसिड होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, H+ आयन देगा। सिमिलरली बेस के केस में भी जितना अच्छा वो बेस होगा, जितनी अच्छी वो एल्कली होगी, उतना ज्यादा वो क्या देगा आपको, OH- आयन देगा। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत है जुनैद बेटा, समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। कौन कौन ज्वाइन किया अभी, आप तीन ही लोग हो या आपको ज्वाइन किया? आ गई। अच्छा, आ गई।
चलो ठीक है, तो अभी हम दो चीजें यहाँ पे देखे, क्या देखे कि ऑन द बेसिस ऑफ एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है, या कितना ज्यादा बेसिक है और कितना ज्यादा कितना कम बेसिक है। समझ में आया? इतना चीज ही क्लियर हुआ? समझ में आया इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताइए, अभी तक जो हम बताए इसमें हो गया। तो धीरे धीरे समझ, इतना धीरे धीरे समझिए, ठीक है, एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे हम लोग। आइए तो मान लेते हैं, चलिए कंडीशंस लेते हैं, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंडीशंस लेते हैं। मान लो कभी ऐसा हुआ कि एस प्लस आयन का कंसेंट्रेशन जो है वो बराबर हो गया किसके, कोई सोल्यूशन है जिसमें एस प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बराबर हो गया ओ एच माइनस के कंसेंट्रेशन के, तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा या न्यूट्रल होगा, खुद ही सोचो। ऐसा होगा वो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। जब एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन और ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। मान लीजिए एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन उस केस में, पर्टिकुलर केस में ओ एच माइनस के कंसेंट्रेशन से ज्यादा हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे। और वहीं तीसरे केस में मान लीजिए एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन जो है ओ एच माइनस आयन के कंसेंट्रेशन से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे या बेस बोलेंगे। आई बात समझ में? इतना कॉपी करिए इसको फटाक से। समझ में आया जुनैद? कॉपी करिए इसको फटाक से, लिखते एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट। हो गया इतना लिख लिया? Yes, sir. हो गया? Yes, सब का आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए पॉइंट लिखिए एक, उसके नीचे एक पॉइंट फटाक से लिख लीजिए। अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आराम आराम से बोल रहे हैं सारे लोग, लिखिएगा छूटे ना किसी का। अ स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइजेस कंप्लीटली। सर आयनाइजेस से स्पेलिंग क्या है? आयनाइजेस आई ओ एन आई जेड ई एस आयनाइजेस। यस सर। कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस to produce high concentration of to produce high concentration of H plus ion high concentration of H plus ion high concentration of S plus N, whereas a weak acid ionizes. whereas a weak acid ionizes partially to produce less concentration of
H plus ion to produce less concentration of H plus ion. To produce less concentration of H plus ion. हो गया बेटा. लिखिए. यस सर. प्रोड्यूस लेस कंसेंट्रेशन. हम फिर से रिपीट कर रहे हैं पूरा पॉइंट, मिला लीजिएगा. अ स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइजेस कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, वेयर एज अ वीक एसिड आयनाइजेस पार्शियली टू प्रोड्यूस लेस कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. डन. यस सर. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए बेस के बारे में. जैसे अभी एसिड के बारे में लिखा, सेम टू सेम बेस के बारे में हम लोगों को लिखना है. क्या लिखना है लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट. सिमिलरली अ बेस या अ स्ट्रॉन्ग बेस लिखिए. सिमिलरली अ स्ट्रॉन्ग बेस हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ. स्ट्रॉन्ग बेस में हाई कंसेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, OH माइनस आयन का हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना. तो सेम टू सेम जैसे ऊपर स्टेटमेंट लिखा है वैसे अभी लिख लीजिए. बस क्या कर दीजिए, एसिड की जगह बेस लिख दीजिए और H प्लस की जगह OH माइनस आयन लिख दीजिए. जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है एज इट इज है. ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग. अ स्ट्रॉन्ग बेस हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द सोल्यूशन, वेयर एज अ वीक बेस हैज लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. ठीक है. अ स्ट्रॉन्ग बेस हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एंड अ वीक बेस या वेयर एज अ वीक बेस हैज लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. सर हो गया. हो गया, हो गया रिया बेटा, सबने लिख लिया. यस सर. हो गया. चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, छोटा सा पॉइंट डालिए, लिखिए पीएच कैलकुलेशन. नेक्स्ट हेडिंग डालिए पीएच कैलकुलेशन. पीएच हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालिए पीएच कैलकुलेशन. तो पीएच हम लोग कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि पीएच की वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं. देखो पीएच इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन. अब ये बताओ लॉग देखा है कि नहीं आज से पहले तुम लोगों ने, लॉग के बारे में कुछ जानते हो. हाँ अभी देखा होगा मैथ वगैरह में. नहीं सर. नहीं, नहीं देखा है. बात यह है कि बेटा सीबीएसई के सिलेबस से लॉग इन्होंने जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो हटा दिया है लॉग. ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला कि जो हम लोगों को ये समझना है यहाँ पे, ठीक है, पीएच के बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ ऐसे टर्म्स आ जाएंगे कि जिसकी ज्यादा डीप में हम नहीं जा सकते. ठीक है, लॉग एक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है. ठीक है, उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ते. हाँ थोड़ा सा लॉग हम लोग जाके 11th और 12th में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वहां पे तो ये चीजें पढ़नी पड़ेगी. तो अभी जानने के लिए आपसे कोई पूछेगा तो आप इतना जानते रहिए कि पीएच होता क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन. समझ में आया, क्या पढ़ोगे आप इसको, माइनस लगा हुआ है इससे पढ़ोगे नेगेटिव, लॉग है तो लॉग को क्या पढ़ते हैं, लॉगरिथम. ठीक है, तो क्या पढ़ोगे इसको, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन. आई बात समझ में. यस सर. ठीक है, नीचे इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए. क्या है पीएच का डिफिनेशन, लिखो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द negative
negative as the negative logarithm. Logarithm की spelling बोल दें L O G A R I T H M. ठीक है, negative logarithm of hydrogen ion. Negative logarithm of hydrogen ion. नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या लिखा हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एस प्लस आयन कंसेंट्रेशन और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. और क्या लिखोगे नेगेटिव हेलो आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. हाँ, तो क्या लिखा हम लोगों ने फिर से बोल ले पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन का क्या मतलब होता है? देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है एचसीओ प्लस का कंसेंट्रेशन. इसका कंसेंट्रेशन एचसीओ प्लस का कंसेंट्रेशन. एचसीओ प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम बोलते हैं. जैसे एच प्लस को एच प्लस है वैसे ही एचसीओ प्लस होता है. एचसीओ प्लस कैसे बनता है वो भी बता देते हैं, लेकिन एचसीओ प्लस को बोलते हैं क्या वो अभी याद कर लीजिए आप लोग. क्या बोलते हैं एचसीओ प्लस को? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन. जो अभी आप लोगों ने लिखा क्या लिखा? एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. समझ में आया? हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है देखो, बनता कैसे ये तो इसको कॉपी करो. अच्छा पहले इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो फिर बता रहे. जो आपने स्टेटमेंट लिखा तो ऐसे कॉपी कर लीजिए, या तो हम पीएच को ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन और पीएच इक्वल टू. देखो पीएच लिखते कैसे है, स्मॉल पी और कैपिटल एच. ठीक है, बराबर मत लिख देना, पीएच ऐसे मत लिख देना. ठीक है, स्मॉल पी ऐसे लिखते हैं और फिर कैपिटल एच उसके बगल में लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे वैसे ही लिखिएगा आप लोग पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस और पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच थ्री ओ प्लस. ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होती है पीएच? पोटेंस बोलते हैं बेटा, पी फॉर पोटेंस होता है ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे बोलते हैं. अभी लिखवा रहे हैं, नीचे पॉइंट में हम लिखवाएंगे. ठीक है, तो अभी H3O+ में क्या होता है, H3O+ को देख लीजिए. H3O+ बनता कैसे बस ये जानते रहिए. क्या होता है, H+ आयन जो एसिड से निकलता है, ये H+ आयन क्या करता है, H2O से कंबाइन हो जाता है और H2O से कंबाइन होकर क्या बना लेता है, H3O+ बना लेता है. आई बस समझ में, कोई भी एसिड आप लोगे तो एसिड लेने का मतलब क्या है कि एसिड आपको क्या देगा, एच प्लस आयन देगा. जब उसमें आप पानी डालोगे तो क्या होगा, वो जो एच प्लस आयन निकल रहा है वो पानी के मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है और कंबाइन करके क्या बता बना देता है, एच थ्री ओ प्लस आयन बना लेता है. समझ में आया? तो हम भाई पीएच की वैल्यू एच प्लस के टर्म में भी बता सकते हैं, एच थ्री ओ प्लस के टर्म में भी बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी एच प्लस निकलेगा वो पानी के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाएगा और कंबाइन करके क्या बना लेगा, एच थ्री ओ प्लस बना लेगा. आई बात समझ में? एसिड की डिफिनेशन ही यही हम लोग देते हैं कि एसिड को हम लोग जैसे ही पानी में डालेंगे वो क्या करेगा, एच प्लस आयन देगा. जब तक पानी नहीं डालेंगे तब तक एच प्लस आयन नहीं देगा. समझ में आया? अब देगा एच प्लस आयन जैसे ही हम लोग पानी में डालेंगे. तो पानी में डाले आप, एच प्लस आयन आपको मिला और जैसे ही एच प्लस आयन आप वहां से निकलेगा वो क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाएगा और कंबाइन करके क्या बना लेगा, एच थ्री ओ प्लस बना लेगा. तो अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो आप H+ के टर्म्स में भी बता सकते हो प्लस H3O+ के टर्म में भी बता सकते हो. एक ही बात है कि नहीं, एक ही बात ये सोचो है कि नहीं है. यस सर. क्लियर है? समझ में आया? यस सर. आया समझ में सबको? दिया बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir.
है ना। चलो ठीक है, एक पॉइंट और लिखा जाए फिर इसके बारे में, इसी के नीचे एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, द अबव फॉर्मूला, द अबव, ये जो फॉर्मूला अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, द अबव फॉर्मूला, द अबव फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, इज यूज टू कैलकुलेट, द अबव फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द अबव फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पी एच, द अबव फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पी एच। क्या लिखा हम लोगों ने, द अबव फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन, ऑफ एनी सॉल्यूशन। चलो रिया बेटा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखो, नोट डालो, स्टार बनाओ और उस पर लिखो। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, वन मार्क्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, क्या पीएच की वैल्यू फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं करेगी? तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या पीएच की वैल्यू हर कंडीशन में फिक्स होती है? लाइक अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 3 आ गया, कोई एसिड है उसका पीएच 3 आ गया, तो क्या हमेशा उसका पीएच 3 ही रहेगा या चेंज हो सकता है? सर अगर वाटर ऐड कर दिया तो बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, डाइल्यूशन नहीं कर रहे, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम रहेगा कांस्टेंट। अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर चेंज करेंगे तब कोई फर्क पड़ सकता है? तो बिल्कुल हाँ, अगर टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, अगर टेम्परेचर हमारा चेंज होगा तो एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर चेंज करने पे H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो पीएच की वैल्यू पे फर्क जरूर पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सर टेम्परेचर चेंज होने नॉर्मल एच प्लस आयन पे जो फर्क पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे, जो पानी एसिड में जाने के बाद H प्लस आयन उससे निकल पा रहा है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन नहीं देता है, समझ में आया? अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो रिएक्शन रेट, अच्छा ये रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है विद चेंज इन टेम्परेचर? खुद सोचो, बहुत सारे रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे फास्ट हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे स्लो हो जाते हैं, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है हम लोगों ने? ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, हम पानी डालते हैं एसिड में, ठीक है पानी डालते हैं एसिड में, तो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है ना, H प्लस आयन उससे निकल रहा है कहीं और जा रहा है, वहां से ट्रांसफर हो रहा है, समझ में आया? तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा इसका मतलब H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा? Yes, sir. ठीक है, और सिमिलरली अगर H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा तो पीएच की वैल्यू पे भी फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में? Yes, एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप एकदम पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए, सिर्फ ये पॉइंट को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि टेम्परेचर ने बोल दिया कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो पीएच की वैल्यू चेंज करेगी। अगर सवाल पूछे हैं तो उसको ऑब्वियस बात, बढ़िया क्या पूछ के आपने, ना पूछे होते तो शायद स्किप हो जाता, ठीक है सीधे पॉइंट बताते। तो पॉइंट जो है वो ये है कि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो पीएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। सवाल ये है कि क्यों चेंज हो जाएगी, सवाल ये है भाई कि क्यों चेंज हो जाएगा, उसका रीजन क्या है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ेगा फर्क, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ेगा फर्क, समझ में आया? अगर उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है, अगर उस पर फर्क पड़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा,
और अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा तो H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, और अगर H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा तो पीएच पे फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ सा नहीं हो रहा है ना, आराम आराम से समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन अभी हम देखो, हम बस फिजिकल कंडीशंस बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी श्रेयस ने भी पूछा था कि सर डाइल्यूट कर देंगे तो फर्क पड़ जाएगा, या आपने कहा सर कैटलिस्ट डाल देंगे तो फर्क पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हम बदलाव नहीं कर रहे, ठीक है। रिएक्शन के जो मीडियम है उन चीजों पे बदलाव नहीं कर रहे, समझ में आया? हम बदलाव सिर्फ फिजिकल कंडीशन पे कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर वगैरह बदल रहे हैं। अब वो सारी चीजें हम बदल देंगे, कैटलिस्ट डाल देंगे या फिर पानी ही डाल देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, तो फिर फर्क पड़ ही जाएगा। समझ में आया? Yes, ठीक है। चलो कैटलिस्ट वाला केस तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस बात पे ध्यान दीजिए, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर के हिसाब से। किसके हिसाब से? टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, देखो हमने चेंज किया टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ? यस सर, पड़ेगा। ये तो हम लोगों को पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो केमिकल रिएक्शन तेजी से होने लगता है, और मोस्ट प्रोबेबली, और टेम्परेचर घटा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा उतना ही फास्ट होता है मैक्सिमम रिएक्शन पे, समझ में आया? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, अगर टेम्परेचर में हम फर्क करेंगे, टेम्परेचर कम या ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा तो जो एच प्लस आयन निकल रहा है, कब निकलता है एच प्लस आयन, जब एसिड में पानी डालते हो, एसिड में पानी डालते हो तो रिएक्शन होता है और एच प्लस आयन निकलता है, तो H प्लस आयन पे फर्क पड़ेगा। H प्लस आयन या तो कम निकलेगा पहले से या ज्यादा निकलेगा पहले से, अगर टेम्परेचर कम कर दिए है तो कम निकलेगा, टेम्परेचर बढ़ा दिए है तो ज्यादा निकलेगा, और अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन कम या ज्यादा हो रहा है तो पीएच की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा ही। आई बात समझ में? अब क्लियर है? फिर से बताए। यस सर, क्लियर। बोलो, क्लियर है? ठीक, इतना हम लोग को समझ में आ गया कि भाई अगर टेम्परेचर पे फर्क पड़ने वाला है तो पीएच की वैल्यू पे फर्क पड़ने वाला है। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट और याद करके रखिए, अभी बहुत सारे चीजों के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स आएंगे, तो हम लोग बहुत सारे एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन के पीएच याद करेंगे या क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो भी पीएच वैल्यू आप देखोगे ना कि इस एसिड का इतना होता है, इस बेस का इतना होता है, वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। कहाँ की टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं? वो सारी जो वैल्यूज है कि इस सोल्यूशन का पीएच 3 है, इस सोल्यूशन का पीएच 7 है, इस सोल्यूशन का पीएच 14 है, वो सारी पीएच वैल्यूज किस टेम्परेचर पे निकाली गई है? रूम टेम्परेचर पे निकाली गई है। कहाँ निकाली गई है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर बताओ? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पूरा बोला करो बेटे। टेम्परेचर जब बोलते हो तो यूनिट के साथ बोला करो, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आइए फटाक से पॉइंट लिख लेते हैं इसका हम लोग। चलो अगर क्लास एंड हो जाती है तो रिज्वाइन कर लेना। चलो फटाक से चलिए पॉइंट लिख लेते हैं इसका हम लोगों ने। क्या लिखा हम लोगों ने अभी लास्ट पॉइंट? अच्छा, नोट लिखवा रहे थे ना, नोट लिखवा रहे थे ना? यस सर, इम्पोर्टेंट नोट। हाँ, तो नोट हेडिंग डालिए और नोट में लिखिए द वैल्यू ऑफ पीएच। नोट में लिखवा रहे पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन। आराम से लिखिए, ठीक है, सही सही एकदम, गलत सलत नहीं लिखना है। The value of pH of any solution, the value of pH of any solution changes
with change in temperature, changes with change in temperature. Changes with change in temperature. Because the hydrogen ion concentration changes, because the hydrogen ion concentration changes with change in temperature, with change in temperature. Because the hydrogen ion concentration changes with change in temperature. क्या लिखा, पूरा पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, मिला लीजिएगा जिनका छूटा होगा. द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन चेंजेस विद चेंज इन द टेम्परेचर. देन यस सर, यस सर, ठीक है. हाँ चलो, इतना सबको क्लियर हो गया? यस सर. चलिए ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर. चलिए, पीएच के बारे में हमने आपको भेज दिया. पीएच का एक टेबल है जो क्लास ओवर होने के बाद आप लोगों को हम भेजेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस का उसमें पीएच वैल्यूज गिवन है, ठीक है, जो मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है, जो कॉमनली यूज एसिड और बेस है उनके वैल्यूज वहां पे पीएच के गिवन है, उनको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, क्लास एंड होने के बाद आपको भेजेंगे, ठीक है. चलिए, हाइडिंग डालिए अपना नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर. जैसा कि हमने कहा था, दो टॉपिक हम लोग देखेंगे, एक पीएच और दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर. क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो किस पे काम करता है, वो पीएच स्केल के हिसाब से ही काम करता है. समझ में आया? देखो, है ये क्या इंडिकेटर, है ये क्या इंडिकेटर, और इंडिकेटर होता क्या है, जो आपको इंडिकेट करता है कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है. इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, इंडिकेटर भाई पढ़ रखा हम लोगों ने. पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मैनमेड इंडिकेटर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने और भी पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में. अब हम जो लास्ट इंडिकेटर पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है. इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है. नाम यूनिवर्सल है, इंडिकेटर ही है बेसिकली, तो आपको इंडिकेट ही करने वाला है कि गिवन सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है. खास बात क्या है, ऐसा क्या हुआ कि इसको हम लोग अब पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग वहां पे क्यों नहीं पढ़े, या ये कुछ अपने आप में अगर इंपॉर्टेंट है, खास है, तो क्या अंतर है पुराने इंडिकेटरों से, कैसा कैसे बेहतर है? तो भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर बढ़िया इसलिए है, बेहतर इसलिए है, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, पीएच बता देता है. ये आपको एसिडिक बेसिक किस हिसाब से बताता है, ये आपको पीएच बता देता है.